हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन गुरु में। तो दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप की 3 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपके डेली बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो दोस्तों, मैं करता हूँ बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, व्हाट्सएप की मैं पहली ट्रिक की बात करता हूँ। इसके लिए आपको चले जाना है अपने व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको कोई भी चैट ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आप देख रहे होंगे इसके जो चैट का जो बैकग्राउंड है वो डिफ़ॉल्ट पे है इस टाइम। तो अगर आपको अपनी चैट को जो है अट्रैक्टिव बनाना है तो इसके आप बैकग्राउंड को बड़ी आसानी से जो है चेंज कर सकते हैं। इसमें आप अपनी इमेज भी लगा सकते हैं या आप कोई कलर भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको 3 डॉट पर चले जाना है और आप देख रहे होंगे उसके बाद वॉलपेपर का निशान, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने गैलरी और सॉलिड कलर का जो है ऑप्शन होगा। तो गैलरी पर जाके तो आप अपनी फ़ोटो कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मैं अपनी फ़ोटो लगा लेता हूँ, चाहे तो आप अपना कलर भी लगा सकते हैं। ये देखिए सॉलिड कलर के ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जाके जो है कोई भी आप जो है कलर सेट कर सकते हैं। तो ये तो थी दोस्तों पहली ट्रिक। दोस्तों, दूसरी ट्रिक की मैं बात करूं तो वो है आपके फ़ोन का डार्क मोड। डार्क मोड दोस्तों क्या होता है कि आपके जो फ़ोन का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्या है, ब्लैक हो जाता है। इसे आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको चले जाना है 3 डॉट पे, उसके बाद सेटिंग के ऑप्शन पे, उसके बाद आपको जो चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक के बाद आपको थीम का जो ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है डार्क मोड का जो है ऑप्शन आ चुका है, डार्क पर आपको क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि आपकी जो जो बैकग्राउंड है इसका वो ब्लैक हो चुका है। चैट का बैकग्राउंड तो वही रहेगा, बट जो नॉर्मली जो आपकी जो चैट का जो होम पेज है उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो चुका है। अब दोस्तों, इसके 2 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि ये जो आपकी बैटरी है उसको कम रिड्यूस करता है, मतलब आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी टाइम तक चलेगी। ये आपके डार्क मोड जो ऑप्शन है ये आपने देखा होगा आपके फ़ोन में भी होगा। तो अगर आप फ़ोन में भी डार्क मोड कर देते हैं तो आपकी बैटरी जो है बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक चलने वाली है। आपको जल्दी से चार्जिंग पे नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फ़ोन की जो हमारी लाइटिंग होती है ये जो है बैटरी को काफ़ी रिड्यूस करती है। तो इससे डार्क मोड से क्या होता है, जो लाइटिंग होती है वो बंद हो जाती है और जो डार्क मोड है जो ओपन हो जाता है। इसका दोस्तों जो दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप रात में किसी से चैट करते हैं तो आपकी आँखों पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है लाइटिंग का वो भी काफ़ी कम हो जाता है। जब ब्लैक रहेगा तो आपको सिर्फ जो चैट के जो जो वर्ड लिखे हुए हैं वो आपको शो होंगे खाली। तो इससे क्या होगा कि आपकी आंखों पे जो है इफ़ेक्ट काफ़ी कम पड़ेगा। तो इसे भी आप जो है सेट कर सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों, व्हाट्सएप की अब मैं तीसरी ट्रिक के बारे में बात करता हूँ। इसके लिए आपको चले जाना है 3 डॉट पर। 3 डॉट पर जाने के बाद आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद आपको प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद आप देख रहे होंगे नीचे रीड रिसीप्ट्स का ऑप्शन, ये आपका दोस्तों ऑन होगा, इसको आपको कर लेना है ऑफ। ऑफ़ करने का बेनिफिट और लॉस मैं आपको बता देता हूँ। बेनिफिट तो दोस्तों ये होगा कि जैसे सामने वाला कोई बंदा अगर आपको मैसेज करता है और आप उसका मैसेज सीन कर लेते हैं तो उसके पास जो है ब्लूटूथ का जो ऑप्शन है वो नहीं जाएगा। और लॉस ये होगा कि जब आप किसी को मैसेज करेंगे और सामने वाला बंदा रीड कर लेगा तो आपके पास भी जो है ब्लूटिक का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये था दोस्तों इसका प्रॉफिट और लॉस। तो दोस्तों, ये थी व्हाट्सएप की 3 ट्रिक। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। बाकी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।